ये है टीपी लिंक का डुअल बैंड वाईफाई रेंज एक्सटेंडर, और ये जो एक्सटेंडर है बहुत ही पावरफुल है। ये तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट के जो एरिया है उसे कवर कर सकता है। इसकी कीमत है 4,999 रुपये। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है टीपी लिंक का बहुत ही पावरफुल डुअल बैंड वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। ये तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसे कवरेज प्रोवाइड कर सकता है। ये है टीपी लिंक RE450, कीमत है 4,999 रुपये। और यहाँ पर की स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है 450 Mbps प्लस 1,300 Mbps। और इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी बॉक्स के ऊपर ही दिया हुआ है। बॉक्स पैकिंग भी काफ़ी यूनिक किस्म की है और काफ़ी बड़ा भी है। आमतौर पे एक्सटेंडर जो होते हैं इतने बड़े नहीं होते हैं। चलिए इसके अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आपको बॉक्स को खोलना है और इस बॉक्स के अंदर आपको ये देखिए ये डिब्बा मिलता है। फिलहाल पहले मैं इसे खोल देता हूँ। इस डिब्बे के अंदर आपको इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगा, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, एक तरह से यूज़र मैनुअल है, साथ में वारंटी कार्ड भी है। और ये देखिए यहाँ पर है बहुत ही पावरफुल डुअल बैंड वाईफाई रिपीटर। अब ये जो रिपीटर है देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा है। अब मैंने इतना बड़ा रिपीटर पहली बार देखा है, ये देखिए। और इसमें 3 एंटीनास है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स पैक के अंदर मिलती हैं। ये है टीपी लिंक RE450 वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। बहुत ही बढ़िया बिल्ड है, प्लास्टिक की बॉडी है, फिनिशिंग भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे देखिए LED नोटिफिकेशंस है, 2.4 GHz, 5 GHz और पावर का। और ये एक और नोटिफिकेशन है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर रिसेट का बटन है, LED के लिए बटन है और पावर के लिए भी बटन दिया हुआ है। और यहाँ पर प्लग पॉइंट है जिसे आपको जो सॉकेट है उसमें डालना है। पीछे कुछ टेक्निकल जानकारी दी गई है और वेंटिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर। इस वाईफाई एक्सटेंडर में 3 एंटीनाज हैं, ये देखिए 1, 2। और तीसरा एंटीना के लिए आपको यहाँ पे देखिए, ये है तीसरा एंटीना, उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड इन करना है। ये देखिए इस प्रकार से। अगर आप एक वाईफाई राउटर का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में हो, और आपको रेंज नहीं मिल रहा है दूसरे रूम में, तो आप इस प्रकार के एक्सटेंडर का उपयोग कर सकते हैं। अब इस एक्सटेंडर की खासियत ये है कि ये देखिए ये है एक्सटेंडर और ये घर का एक तरह से नक्शा है। 3 फ्लोर्स है, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड। और अगर आपने जो एक्सटेंडर है उसे फर्स्ट फ्लोर में रख दिया है तो ग्राउंड फ्लोर और जो सेकेंड फ्लोर है वहाँ पर आसानी से रेंज पहुँच जाएगा। एक्सटेंडर को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और जो मेन राउटर है वो वहाँ पर सामने है। इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। मैनुअल में आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से आपको इसे इंस्टॉल करना है, या फिर जो एप्लीकेशन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए RJV 2.4 जो आप देख रहे हैं, ये मेरा मेन प्राइमरी राउटर है। और यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन जहाँ पर भी लिखा हुआ है EXT, ये नेट गियर का एक्सटेंशन है जो मेरे प्राइमरी राउटर के साथ में कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पर एक स्पेशल एप्लीकेशन है टैथर, जिसका उपयोग करके आप जितने भी टीपी लिंक के डिवाइसेस है उसे कंट्रोल कर सकते हैं और सेटअप भी कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल मेरा जो राउटर है उसे डायरेक्टली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट किया हुआ है। ये है मैक्सिमम स्पीड 34 Mbps। मैं जिस ब्रॉडबैंड का उपयोग कर रहा हूँ मुझे तकरीबन 100 Mbps का स्पीड मिलता है। और अब मैं RJV 2.4 एक्सटेंशन के साथ में कनेक्ट किया हुआ है और फिर से चेक करते हैं स्पीड क्या है। ये जो RJV 2.4 EXT जो है ये मेरा नेट गियर का वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है, और एक्सटेंडर के ज़रिए मैं मेरा जो मेन राउटर है उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है 38 Mbps, क्योंकि जो नेटवर्क का जो रेंज है वो थोड़ा सा सुधर गया है। और अब मैं RJV 5_EXT के साथ में कनेक्ट करता हूँ। एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि मैं जो राउटर का उपयोग कर रहा हूँ उसमें डुअल बैंड तो है, लेकिन मुझे 5 GHz इस एरिया में जहाँ से मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन ये जो नेट गियर का रेंज एक्सटेंडर है उसका उपयोग करके देख सकते हैं कि मुझे बहुत ही बढ़िया स्पीड मिल रहा है, वो भी 5 GHz पर। और यही कारण है कि मैंने इसे ख़रीदा हुआ है, क्योंकि जो मैं लैपटॉप का उपयोग कर रहा हूँ उसमें डुअल बैंड वाईफाई है, और इस एक्सटेंडर का उपयोग करके मैं जो 5 GHz है उसे मेरे जो राउटर है जो काफ़ी दूर है वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। इस पर जो LED लाइट है वो ब्लू दिखाता है जब जो क्वालिटी है अच्छा होता है, रेड दिखाता है जब क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। और वो जो LED बटन है उसे प्रेस करके जो LED लाइटिंग है उसे आप ऑफ कर सकते हैं।
वैसे मार्केट में आपको बहुत सारे वाईफाई एक्सटेंडर मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के राउटर का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप एक सिंगल बैंड मतलब कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ राउटर का ही उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे एक्सटेंडर लेके फ़ायदा नहीं है। आप सिंगल बैंड जो एक्सटेंडर होता है वाईफाई रेंज एक्सटेंडर उसके लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डुअल बैंड वाईफाई राउटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप इस प्रकार के रेंज एक्सटेंडर के लिए जा सकते हैं, खास करके जब आपको जो वाईफाई का रेंज है कुछ एरियाज़ में नहीं मिल रहा है तो। वैसे मार्केट में आपको सस्ते डुअल बैंड वाईफाई रेंज एक्सटेंडर मिल जाएंगे, लेकिन ये TP-Link RE450 वाईफाई रेंज एक्सटेंडर जो है ये थोड़ा सा महंगा है। इसकी कीमत है 4,999 रुपये और इसका जो रेंज है वो भी काफ़ी बढ़िया है, आपको तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वहाँ तक कवर कर सकेगा। ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, कीमत है 4,999 रुपये। जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।